Hello students, today I am going to discuss with you all about the anti-asthmatic drugs, and this is the second video in this anti-asthmatic drug. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एस्थमा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था और एस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है वो मैंने डिस्कस किया था. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि पैथोफिजियोलॉजी जो पार्ट है एस्थमा के केस में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी पैथोफिजियोलॉजी को देख करके हम लोग ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ पाएंगे. तो जनरली क्वेश्चंस पूछता है जो कि क्लासिफाई दी एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स और डिस्कस दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ किसी पर्टिकुलर एक क्लासिफिकेशन के किसी एक क्लास के बारे में पूछ सकता है या फार्माकोलॉजी ऑफ किसी पर्टिकुलर के बारे में भी पूछ सकता है. तो वहां पे आपको क्या है कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडी है और कुछ मिसलिनियस ड्रग्स हैं. अब हम बात करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में. तो ब्रोंकोडाइलेटर्स में जो चार क्लास के ड्रग्स है, पहला सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट, सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट जिसमें कि एग्जांपल है सेलब्यूटामॉल, सेलमेट्रॉल एंड टर्ब्यूटेलिन. सेलब्यूटामॉल, सेलमेट्रॉल एंड टर्ब्यूटेलिन नॉन सिलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक ड्रग. ये हो गया एपिनेफ्रिन. एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इसमें आ जाइएगा इप्राट्रोपियम एंड थायोट्रोपियम. मिथाइल ज़ेंथिन्स इसमें आ जाओगे आप थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन. इसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ओरल पैरेंटरल एंड इनहेलेशंस हैं. प्रिडनोसोलोन ओरल में आ जाता है, ये ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है. पैरेंटरल रूट के थ्रू मिथाइल प्रिडनोसोलोन और इनहेलेशन रूट के थ्रू दिया जाता है बैक्लोमिथासोन. मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसका एग्जांपल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. नाउ नेक्स्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसका एग्जांपल है जेफिल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट. मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडी ओमेलिजुमैब और लास्ट में मिसलिनियस में जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ दी ड्रग्स. ब्रोंकोडाइलेटर्स में आपने ऊपर में देखा होगा सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट. बीटा टू एगोनिस्ट बोलते ही इसको अगर आप सिर्फ एक पॉइंट को देखिएगा तो भी आप इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं. जैसे सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट, सिलेक्टिव बोले तो वो पर्टिकुलरली बीटा टू रिसेप्टर पे ही काम करेगा. एगोनिस्ट बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को वो मिमिक करेगा. ठीक उसी तरह से यहां पे सिंपैथोमिमेटिक, नॉन सिलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक. नॉन सिलेक्टिव बोले तो वो अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करेगा और बीटा रिसेप्टर पे भी काम करेगा, इसलिए उसको हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव. वो ये नहीं देखेगा कि ये अल्फा रिसेप्टर है कि बीटा रिसेप्टर, वो किसी पे भी काम कर लेगा अल्फा और बीटा पे. सिंपैथोमिमेटिक यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिविटी को वो मिमिक करेगा. एंटी कोलिनर्जिक यानी जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा. और मिथाइल ज़ेंथिन, आइए हम इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आपको बताते हैं सिर्फ उसी चार्ट से जिस चार्ट को हमने देखा था कब, जब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ रहे थे. आपको याद होगा मैंने बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों का इंटरेक्शन होगा जब री एक्सपोजर होता है एंटीजन का. ये एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को रोकने का काम करता है मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडी जिसका कि एग्जांपल है ओमेलिजुमैब. देखिए मैंने यहां लिखा है ओमेलिजुमैब. नेगेटिव का सिंबल दिया है कि इस एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को रोकने का काम करता है. नाउ नेक्स्ट, जब ये मास्ट सेल के ऊपर में
बाइंड होकर के ये इंटरेक्शन होता है, और जब ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो मास्ट सेल अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है, डीग्रेन्यूलेशन होता है। इस डीग्रेन्यूलेशन को रोकने का काम करता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, जो कि एग्जांपल है मास्ट सेल स्टेबलाइजर का। मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मतलब है बच्चों कि वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज करने का मतलब कि अगर ये इंटरेक्शन हो भी रहा हो तो भी ये मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स को रिलीज नहीं करेगा। पहली बात, आपने ओमेलिजुमैब दे दिया तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। जब ये इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो मास्ट सेल के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो डीग्रेन्यूलेशन नहीं करेगा, बेसोफिल्स इसनोफिल्स कुछ भी नहीं आएगा, और फाइनली क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और फर्दर एडिमा जो होता है या म्यूकस सिक्रेशन जो होता है या एपिथेलियल टिश्यू का डैमेज होता है, वो सब कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा, उसमें जो एस्थमा के पेशेंट है उसको रिलीफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज व्हाट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसको कि आपने सोडियम क्रोमोग्लाइकेट बोला। अगर मान लीजिए ये इंट्रैक्शन हो भी गया तो मास्ट सेल अगर स्टेबलाइज कर गया तो वो डीग्रेन्यूलेशन नहीं करेगा, यानी ग्रेन्यूल्स रिलीज नहीं होंगे, तो ना बेसोफिल्स ना इसनोफिल्स, ये सारा रिएक्शन यहाँ पे आगे नहीं होगा। आगे जो डीग्रेन्यूलेशन नहीं हुआ तो ना किसी तरह के कोई मेडिएटर रिलीज होंगे और ना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एडिमा, म्यूकस सिक्रेशन या एपिथेलियल डैमेज वगैरह कुछ भी कॉज करेगा। यानी अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उनको रिलीफ मिलेगा। नाउ गेट द पॉइंट ऑफ थर्ड ड्रग, दैट इज योर बीटा टू एगोनिस्ट। कौन है बीटा टू एगोनिस्ट? सेल्बिटामोल, सेलमेट्रोल, टर्ब्यूटालिन। कैसे काम करता है ये? रिलीज होने वाले जो डीग्रेन्यूलेशन से रिलीज होने वाले स्पैस्मोजेंस को क्या करता है, रोक देता है, उसकी रिलीज को रोकता है, उसको रिलीज नहीं होने देगा। कौन कौन से हैं? हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, इंटरल्यूकिन, इन सबके रिलीज को रोकने का काम कौन कर रहा है? बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट एक जगह और भी था। आपको याद होगा कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के बारे में मैंने बताया था कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में नॉर्मल टोन होता है। वो नॉर्मल टोन कब मेंटेन किया जाता है? जब सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस्ड एक्टिविटी चलता है। नाउ थिंग इज व्हाट, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में यह भी बोला था कि अगर हमें एस्थमा के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि वो ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। तो यहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? बीटा टू रिसेप्टर। यही बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर ये बीटा एगोनिस्ट बच्चों काम करता है, सेल्ब्यूटामोल, सेलमेट्रोल एंड टर्ब्यूटालिन। और जैसे ये बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, दो काम होते हैं यहां पे और। एक तो म्यूकस सिक्रीशन घट जाता है बच्चों, और दूसरा जो है जो इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि ये आपको एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम था, उस एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने के कारण एटीपी जो होता है वो साइक्लिक एएमपी में ज्यादा फास्टली कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और साइक्लिक एएमपी फाइनली ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। ब्रोंको डायलेशन हुआ यानी एस्थमा के पेशेंट का जो ब्रोंको डायलेट कर जाए, ब्रोंकियल डायलेट कर जाएगा, तो उसे सांस लेने में आसानी होगी। तो ये हो गया, एक रिलीज को रोका, और दूसरा ब्रोंको डायलेशन कॉज किया, और तीसरा म्यूकस सिक्रेशन को घटा दिया। तो तीन जगहों पे आपने देखा बीटा टू एगोनिस्ट काम किया। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि सपोज कीजिए ये जब रिलीज हो जाता है तो क्या करता है। अर्ली फेज में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, एडिमा कॉज कर सकता है, इंक्रीज इन म्यूकस सिक्रेशन, एपिथेलियल डैमेज। एडिमा, म्यूकस सिक्रेशन और एपिथेलियल डैमेज वगैरह ये लेट फेज में करता है। जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करते हैं बच्चों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एग्जांपल प्रिडनोसोलॉन, मिथाइल प्रिडनोसोलॉन या बैक्लोमिथासोन, अगर आप इन तीनों ड्रग्स को यहाँ पे यूज करते हैं तो वो अर्ली फेज और लेट फेज में होने वाले जो भी
चेंजेस है, जैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एडिमा, म्यूकस सिक्रीशन या एपिथेलियल डैमेज, इन सब को रोकने का काम करता है कौन? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नाउ नेक्स्ट ड्रग्स पे आ जाइए, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। आपने देखा था इस साइड में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां से जो मेडिएटर्स रिलीज किए जा रहे हैं उसमें एक मेडिएटर है ल्यूकोट्राइन्स। ये ल्यूकोट्राइन्स जब रिलीज किया जाता है तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करके ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो ये जो आपके ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यानी जाफिल्यूकास्ट और मॉन्टिल्यूकास्ट है, ये क्या करता है, इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे जो प्रेजेंट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है वहां पे बाइंड कर जाएगा और फिर ल्यूकोट्राइन मॉलिक्यूल्स को ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड करने में रोकेगा। ल्यूकोट्राइन मॉलिक्यूल्स को ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड करने में रोक देगा। जब ल्यूकोट्राइन उससे बाइंड ही नहीं करेगा तो क्या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा? नो। देखिए, इंडिविजुअल ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर रहा था, लेकिन ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जब ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे बाइंड कर गया तो ये क्या करेगा, वहां पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा ल्यूकोट्राइन्स और फाइनली वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज नहीं कर पाएगा। आइए नेक्स्ट ड्रग लेते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जैसे यहां पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुआ था आपको याद होगा, वैसे ही यहां पे मैंने पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी भी बताया था कि सपोज कीजिए पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर डोमिनेट करता है तो वो क्या कॉज कराता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। कैसे कैसे था आपको याद दिला दूं, एक तो ये था कि जीटीपी जो होता है वो कन्वर्ट होता है जीएमपी में इन प्रेजेंस ऑफ गुआनिल साइक्लेज एंजाइम। अब यहां पे क्या होगा कि ये एसिटाइल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोले तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड थायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दोनों ड्रग्स यहां पे क्या करेंगे, इसी M3 रिसेप्टर को बाइंड करके ब्लॉक कर देंगे। जब ये M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया बच्चों तो इसके ऊपर एसिटाइल कोलिना बाइंड नहीं करेगा, जब वो बाइंड नहीं करेगा तो म्यूकस सिक्रीशन नहीं बढ़ेगा और दूसरा ये जो जीटीपी कन्वर्ट हो रहा था जीएमपी में इन प्रेजेंस ऑफ गुआनिल साइक्लेज ये प्रोसेस भी इनहिबिट कर जाएगा। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो म्यूकस सेक्रीशन घट गया तो क्लॉग नहीं होगा और दूसरा ये जब जीटीपी और जीएमपी का कन्वर्जन नहीं होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज नहीं किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ योर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। नाउ एक ड्रग यहां पे बचे जा रहा है विच इज योर मेथाइल ज़ैंथिन, जो कि एग्जांपल है थियोफाइलिन। आइए देखिए यहां पे थियोफाइलिन, थियोफाइलिन दो जगह पे काम कर रहा है बच्चों, कहां कहां, पहला ले लीजिए कि एडिनोसिन, देखिए यहां पे लिखा है ना एडिनोसिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है तो थियोफाइलिन डायरेक्ट इस एडिनोसिन को इनहिबिट करेगा। जब ये एडिनोसिन नहीं यहां पे बाइंड कर पाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट होगा ब्रोंको डाइलेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यही थियोफाइलिन जो होता है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है। जब ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिट कर जाएगा बच्चों तो एटीपी जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो रहा था यही साइक्लिक एएमपी ब्रोंको डाइलेशन कॉज कर रहा था, अब ये साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट हो रहा था साइक्लिक एएमपी से एएमपी में इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। आपने क्या किया, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, कौन सा, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। जब आपने फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो क्या साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट हो पाएगा एएमपी में? ना, आंसर इज नो। जब ये कन्वर्ट ही नहीं होगा यानी साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा तो वो क्या कॉज करेगा, ब्रोंको डाइलेशन। सो यहां पे फाइनली आपको मिल गया ब्रोंको डाइलेशन। तो बच्चों इसका पूरे बोर्ड का ये कंटेंट है कि अगर आपसे पूछ लेता है डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन ऑफ द ड्रग, आप यहां से इसी चार्ट को आराम से लिख करके पूरा का पूरा मार्क्स वहां से उठा सकते। कुछ और भी पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि फार्माकोलॉजी में सिर्फ आपको फार्माकोडायनामिक्स ही होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट भी देखने होंगे। तो मैं एक एक करके इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लास बनाऊंगा। तो ये था मेरा सारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स।
So this is all from my side. Thank you.